नमस्कार, पेश है सिरसा की दिनभर की 10 बड़ी खबरें। एक साथ 14 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त व बफर जोन पर भी मुक्त। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने पर प्रशासन द्वारा 14 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। अब निर्धारित अवधि पूरी होने पर सभी प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन मुक्त घोषित कर दिया है। इन क्षेत्रों के कंटेनमेंट मुक्त होने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के साथ लगती एरिया को भी बफर जोन से हटा दिया गया है। अभी एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है, जहां पर लोगों से अपील की गई है कि कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क जरूर रखें। मानसिक परेशानी के चलते महिला ने की आत्महत्या। क्षेत्र के गाँव फुल्लों में एक महिला ने मानसिक परेशानी के चलते अपने आप को आग लगाकर खुद आत्महत्या कर ली। पड़ोसी ने मौके पर पहुंचकर महिला को संभाला, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार गांव फुल्लों की 52 वर्षीय महिला सुखजीत कौर, जो कि पिछले काफ़ी समय से मानसिक रूप से परेशान थी, इसी परेशानी के चलते उसने अपने आप को आग लगा ली। महिला को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर उसकी पहुंचने से पहले मौत हो गई। बाद में पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सिरसा में फिर 3 तस्करों से मिले 11,000 नशीले कैप्सूल। तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर CII सिरसा ने हिसार रोड से 3 तस्करों को काबू कर उनके कब्जे से 11,900 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहाँ पर तमाम आरोपी हैं वो सिरसा के आसपास और राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। CII इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर सिंह के मुताबिक CII सिरसा के उप निरीक्षक सुधीर कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चेकिंग के दौरान महाराणा प्रताप चौक हिसार रोड सिरसा क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान फतेहाबाद की ओर से आ रही एक कार को शक के बिना पर रोककर कार की तलाशी ली गई, तो 3 व्यक्तियों की तलाशी लेने पर कब्जे से 11,900 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने NDPSC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकले पर रहेगी पाबंदी। धारा 144 लागू, आदेश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। सिरसा से रमेश चंद्र बिडान। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने अनलॉक 2 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं, जहां पर इनकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अनलॉक 2 के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी और इसके दौरान अति आवश्यक सेवाएं, कई शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों का माल की आवाजाही, माल की ढुलाई व माल उतारना, बसों, हवाई जहाज, ट्रेनों के माध्यम से यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर रहे लोगों को छूट दी गई है। दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार युवक की मौत। अनियंत्रित हो गई थी कार। गांव बेगू के पास आज सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान डुमरखां जीन निवासी अमित के तौर पर हुई। जानकारी के मुताबिक अमित कार में सवार होकर जा रहा था। बेगू के पास हादसा हो गया, जिससे कार पलट गई और अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। गहरी चोट लगने से अमित की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों का बयान दर्ज कर आगामी जाँच अमल में लाई जाएगी। पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे PTI अध्यापकों ने आज शहर में प्रदर्शन कर खेल मंत्री का पुतला फूंका। गुस्साए अध्यापकों ने सरकार पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और BJP नेता प्रदीप रत्तुसरिया को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति PTI 2010 के प्रधान कुलबंद सिंह ने कहा कि न्यायालय ने PTI भर्ती को रद्द कर दिया है, इस फैसले से उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। PTI सरकार से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में बिल पास करके उनकी नौकरी बहाल की जाए। पिछले 17 दिनों से संघर्ष समिति आंदोलन कर रही है। मांगों को लेकर बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को ज्ञापन सौंपा है। उक्त नेताओं ने समिति को आश्वासन दिया, लेकिन सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही। जहां पर अब रेलों के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला, डबवाली से विधायक अमित सिंह, कालांवाली से विधायक व पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने आंदोलन को समर्थन दिया है।
सेल्समैन से 6,200 रुपए की नकदी व फोन की हुई लूट। गांव रिसालिया खेड़ा में बिजवाली रोड पर स्थित शराब के ठेके पर उक्त सेल्समैन से बाइक सवार दो युवक 6,200 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। हालांकि सेल्समैन ने काफी शोर भी मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग आते बाइक सवार युवक मौके से भागने में कामयाब हो गए। सेल्समैन ने किसी तरह युवकों के जाने के बाद किसी अन्य व्यक्ति का फोन कर फर्म के संचालक व पुलिस को सूचित किया, जहां पर पुलिस को दी गई शिकायत में राजस्थान के गांव जिगानिया निवासी रामपाल ने बताया कि वेरिसालिया खेड़ा में बिजवानी रोड पर फर्म गोदारा एसोसिएट के ठेके पर काम करता है, जहां पर आए कुछ युवकों ने बाहर बाइक को खड़ा कर उसके साथ कुछ बातचीत की, जिसके बाद उसके ऊपर हमला करते हुए पैसे और उसके फोन को लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। सिरसा से संत कुमार ने संभाला DEO का कार्यभार। डिंग डाइट के प्रिंसिपल संत कुमार ने शिक्षा जिला अधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। DEO का पद कुछ समय के लिए खाली था। फिलहाल आत्म प्रकाश मेहरा के पास DEO का अतिरिक्त कार्यभार था। अनुशासन प्रिय और नियम कायदों पर चलने वाले संत कुमार मिलनसार विभाग के धनी हैं। वे सिरसा में इस पद पर 10 दिसंबर 2018 से 8 मार्च 2019 तक बतौर DEO कार्य कर चुके थे। इनके बतौर DEO कार्यभार संभालने से अध्यापकों की समस्या के समाधान और शिक्षा में सुधार की उम्मीद है। सिरसा के नहरिया बाजार में 10 लाख की चोरी। परिवार सोया रहा, तीसरी और चौथी मंजिल पर चोरों ने अलमारी से नकदी व आभूषण चरा हुए फरार। दरअसल मामला रात्रि 9 बजे का है, जब अल सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू अवधि में भी चोरों की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर थाना से कुछ ही मीटर की दूरी पर नहरिया बाजार में अज्ञात लोग एक घर में सेनभारी करते हुए 10 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। गृह स्वामी घर की तीसरी व चौथी मंजिल पर सोए रहे और चोर अलमारी तोड़कर माल चुरा फरार हो गए। सूचना मिलने पर शहर थाना के कार्यवाहक प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश जोशी और सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश कमांडो मौके का जायजा लेने पहुंचे। पुलिस की ओर से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी है।